अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आओगे तो फायदे में रहोगे। पता लग रहा है ये हमारे भाई साहब ये सुलूक रही है, ये भाटा सादा भूल गया, आलू टमाटर दुनियादारी सब चुका है, तैयारी चल रही है। यह शब्द हैं उन दरिंदों के जो रीवा गैंगरेप में शामिल थे। रीवा गैंगरेप की घटना को सुनकर आज सभी का मन द्रवित है और इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना रीवा में आयोजित होने वाले रीजनल कॉन्क्लेव से पहले घटित हुई। पूरा प्रशासनिक अमला अतिथियों के स्वागत में लगा रहा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद थे। बाद में पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस ने सही समय पर कार्यवाही नहीं की। पुलिस पर आरोप लगा कि जब तक मुख्यमंत्री सहित तमाम अतिथि रीवा से चले नहीं गए तब तक उन्होंने इस मामले को दबाए रखा, सही समय पर कार्यवाही नहीं की गई। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रीजनल कॉन्क्लेव के दौरान अतिथियों के सामने ही मध्य प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं इसकी पोल खुल जाती, क्योंकि यह घटना उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला के जिले में हुई है। इस घटना को घटित हुए 2 दिन बीत चुके थे लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला अतिथियों को कढ़ी फुलौरी खिलाने में व्यस्त था। कॉलेज में पढ़ने वाले 2 प्रेमी जिनकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, पत्नी की जीत पर पति 21 अक्टूबर को पिकनिक मनाने के लिए रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर के पास आए हुए थे। यह जगह काफी सुनसान है, आसपास पेड़ और चट्टाने और नदियों का शोर है। पति पत्नी एकांत में बैठकर बातचीत कर रहे थे पर उन्हें यह मालूम नहीं था कि शांत जगह पर दरिंदे भी घात लगाकर बैठे हुए हैं। उस जगह पर पति पत्नी अकेले नहीं थे, थोड़ी ही दूर में 5 लोग बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पास में ही एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं तो आरोपियों ने पहले उन दोनों के पास पहुंचकर कमेंट करना शुरू कर दिया। जब लड़के ने इसका विरोध किया तो उसे पेड़ से बांध कर आरोपियों ने अन्य साथियों को भी फोन करके मौके पर बुलाया। उन्होंने कहा अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आओगे तो फायदे में रहोगे। इन आरोपियों ने पहले पत्नी के सामने पति को बेल्ट और हाथों से पिटाई की, बाद में पति की आंखों के सामने ही पत्नी से बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस घिनौनी करतूत का आरोपियों ने वीडियो भी बनाया, पीड़िता चिल्लाती रही वह दुष्कर्म करते रहे। जब पीड़िता ने विरोध किया तो एक आरोपी उसके सर पर दारू की बोतल फोड़ देता है, बाद में पीड़िता बेहोश हो गई। इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने रामकिशन कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी, सुशील कोरी, राजेंद्र कोरी, गरुण कोरी, लवकुश कोरी और रावेश गुप्ता को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 21 अक्टूबर की सुबह 11 बजे गुड़ स्थित एक शराब दुकान से 3 बोतल शराब खरीदी थी। यहां से 3 बाइक में सवार होकर हम 5 लोग भैरव बाबा मंदिर पहुंचे। मंदिर से 500 मीटर पहले जलाशय के किनारे हमने अड्डे पर गाड़ी रोक दी। यह आरोपी इस जगह को अड्डा बुलाते थे। आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को भी फोन करके अड्डे पर लिट्टी चोखा का सामान लेकर बुलाया। पहले सभी ने नदी के किनारे बैठकर शराब पी, शराब कम पड़ी तो 3 साथियों को शराब लेने के लिए भेज दिया, बाकी बचे लोग लिट्टी चोखा बनाने में लग गए। काफी समय बीत गया लेकिन 3 लोग जो शराब लेने के लिए गए हुए थे वह अब तक वापस नहीं आए थे, तो बाकी बचे 5 लोग लिट्टी चोखा खाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक कपल बाइक में सवार होकर पास में ही आया हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने कपल का पीछा कर लिया, उन्हें घेर लिया और फिर आरोपियों ने अपने बाकी 3 अन्य साथियों को फोन करके बुलाया कि अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आओगे तो फायदे में रहोगे। इस दौरान आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया और बाद में धमकी भी दिए। एक आरोपी ने पीड़िता से कहा मैं मीडिया प्रभारी का बेटा हूं, SP और कलेक्टर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस को बयान देते हुए आरोपी ने कहा कि हम अक्सर ऐसा करते ही रहते हैं लेकिन कई बार लड़के और लड़की डर के मारे किसी को बताते नहीं हैं, हमें यह मालूम नहीं था कि इस बार हम फंस जाएंगे। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस तो अतिथियों की आवभगत में लगी हुई थी। दोस्तों घटना 21 अक्टूबर को घटित होती है और 23 अक्टूबर को रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में आयोजित होने वाला था, जहां देश के कोने कोने से उद्योगपति रीवा में आने वाले थे, लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला इन अतिथियों को रसाज, कड़ी और इंदरहर खिलाने में व्यस्त था। पुलिस अधिकारियों को यह डर था कि अगर यह बात सामने आ गई तो मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। पीड़ित परिवार ने भी थाना प्रभारी शैल यादव पर समय पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भी बड़ा खुलासा किया है। अभय मिश्रा ने गैंग रेप में पकड़े गए आरोपियों को कोरेक्स और शराब का तस्कर बताया है। अभय मिश्रा के अनुसार आरोपी पुलिस के पैकार है। आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर अभय मिश्रा ने क्या कहा। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि तू भी लूट मैं भी लूटूं, तेरे साथ घटना हो गई मुझे क्या मतलब, मेरे साथ हो गई तुझे क्या मतलब, बहुत स्वार्थीपन। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात और इसको हम स्वीकार करते हैं कि हमारी कमी। क्या ये पुलिस के अधिकारी नहीं देख रहे कितनी बड़ी घटना घट गई और रीवा का आदमी अपने घरों में बढ़िया बैठा मजे में है, वो क्यों हमारे बीच में करेंगे। अभी ये दूसरे जिले में होता
मध्य प्रदेश के किसी और जगह या देश के किसी और जगह में होता तो पूरा प्रदेश हिल गया होता इस कांड से। आज हमें दूर के कांड के लिए मोमबत्ती का जुलूस लेकर निकलते, अपने घर की बच्ची के लिए हम नहीं निकल सकते। तो ये यहाँ के अधिकारी देख रहे थे, वो क्यों ना करें, उनको क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी घटना घट गई। कोई नेता ये कृत्य नहीं चाहता। रीवा की आम आदत आम घटनाओं में हो गया है कि लोग इस तरह की घटनाएं ये कुछ सामने आ जाती है बाकी रोज हो रही, ये नशेगत हो रही। हमारे नेता ही ऐसा नहीं चाहते कि नशेगत मतलब ये कोई इस तरह का बलात्कार के केस हो, साथ साथ दरिंदे किसी बच्ची के साथ ये सब करें, घर घर जो लूट हो रही, रोज गोलियां चल रही, लेकिन कोरेक्स बिछवाना चाहते हैं। एक तरफ उड़ता पंजाब था तो आज है बहता रीवा। रीवा में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं, हर कोई जानता है कि रीवा मतलब कोरेक्स सिटी, नशे की चपेट में है रीवा। ये आखिर ये हमारे नेता ऐसे अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे पैकार करने वालों को, ऐसे पैकारी करने वालों को अपने बगल में बैठाकर क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं, क्यों उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। जो टीआई शराब के कारोबार में, नशे के कारोबार में पार्टनर है, पूंजी लगाए हैं, उनका स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा, ये सब एक ज्वलंत प्रश्न है जो सबके सामने हो रहे हैं। और ये जो संरक्षण की राजनीति है, इसी के कारण आज हमारा रीवा जिला कोरिक सिटी बन चुका है। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं 7 या 8, इनमें से 3 आरोपी पुलिस के रेगुलर पैकार, ये शराब पैकारी का और ये कोरेक्स का कारोबार करते, ये वही नशेगत अपराध है जो रीवा में नशेगत अपराध पहला। रीवा में आप ये बताइए, दुश्मनी के नाम पर कौन किसको गोली चला रहा, यहां बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, किसी के अंदर इतनी खुददारी उद्दारी नहीं है कि उसके लिए बदला लेने जा रहा, लेकिन नशा करके गली चलते गोली चला रहे, गली चलते ऐसा कृत्य कर रहे। ये अगर नशा ना होता तो क्या उस बच्ची की आबरू लुटती। आप भी जान रहे कि ये वहां पर नशा कराने, आप बताइए देवस्थान नहीं बचे, ये कोई गुड़वाला मामला नहीं। पिछले चुनाव के जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके ठीक पहले हमारे यहाँ जो वर्तमान टीआई हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सेमरिया में पूर्वा प्रपात में सेम यही घटना घटी। महिला वो रिपोर्ट कराने गई, टीआई ने समझौता करा दी कि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, और फिर वो एक सीनियर अधिकारी के पास गई तो वो उससे अश्लील बातें कर रहे थे। आपको पता है यहाँ क्या क्या होता है, ये इतना जलता हुआ रीवा है और यहाँ की पुलिस तो शर्मसार कर देने वाली। भले आरोपी पकड़ लिए गए होते लेकिन इसके बाद भी पूरा का पूरा जिला जल रहा होता, सब लोगों का खून खौल रहा होता, लोग सड़कों पे होते और कोई जगह होती। आप देखिए, आपको कहीं कुछ ऐसा नजारा आ रहा, अब कहां गया उल्डोजर बुलडोजर, अब आपके पैकार हैं, आप चलाओ। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।